ब्लॉकबस्टर मूवीज देखने के लिए सब्सक्राइब करें एन स्टूडियोज और बेल आइकॉन दबाएं। ये देखिए, वक्त कितनी जल्दी गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। अभी कली की तो बात है, जनाब हमारी गोद में। हाँ, और अब इतना बड़ा हो गया कि हमारी गोद छोड़कर अमेरिका चला गया है पढ़ाई करने। पूरे 7 साल हो गए हमारे बेटे को गए। बेटा होगा आपका भी, हमारे तो ये बड़ी है, बड़ी। हाय बड़ी। अभी क्या गया, हमारे लिए तो ये घर बिल्कुल बेआवाज हो गया। अच्छा, यानी हम कुछ भी नहीं, हमारी कोई आवाज ही नहीं। हाँ, कैसी बातें कर रहे हैं यहाँ बीवी, आप अर्धांगिनी है हमारी, आधा हिस्सा, आधी आप आधा वो, हमारा तो कुछ है ही नहीं। आ रहा है ना सवेरे, सब पूरा हो जाएगा। पता आपको, मेरा बेटा अमेरिका से आ रहा है 7 साल के बाद। मैं भी अमेरिका से आ रहा हूँ, वो भी 7 साल बाद। अच्छा, मेरा बेटा न्यूयॉर्क से आ रहा है, ब्रिटिश एयरवेज। ओह, इवन आई एम कमिंग न्यूयॉर्क, दैट इज ब्रिटिश एयरवेज। रियली? शिट, मेरा बेटा 5th एवेन्यू में रहता है, बेला विस्टा में। दैट्स अ कोइंसिडेंस, अभी वहीं पर रहता हूँ। क्या बात कर रहे हैं आप, आपका नाम क्या है भाई साहब? अविनाश कपूर। क्यों? एक्सक्यूज मी, माय मदर्स बी। कहीं आप मिस्टर बलराज कपूर तो नहीं? आप कहीं बड़ी तो नहीं है? बड़ी बड़ी है। Who's that beautiful young lady there? That's your mom, yeah. Oh, let's go see. Mama. इतनी दूरी क्यों हुई? बड़ी, बड़ी परेशान करे आपको? अरे नहीं, तुम्हारी याद में। मैं आ गया हूँ ना, और कहीं नहीं जाऊँगा, तो याद करने की कोई जरूरत नहीं। ये रही आपकी गाड़ी। बट बड़ी, I'm too tired, buddy. चल बैठ जाओ उसमें, देखते हैं 7 साल के बाद तो कुछ ही कहा है कि नहीं। अच्छा, क्या कर रहे हैं अभी आप? बाप बेटे के बारे में बीच में बताइए आप। Oh, in that case, buddy, you know what? I will give you handicap. Oh, handicap बेटे कुछ नहीं। तुझे तो मालूम है चीटिंग नहीं करता। चल बीबी बैठ जा। मामा घर पे फोन करके बोल देना 12 अंडे की भुर्जी 15 पाव के साथ। Okay, okay. I will see you there. पंची, चल बैठ जा। आज दिखाई देते हैं यार। Best of luck. मैंने कहा ना आपसे ये सब मत कीजिए, आप हार जाएंगे। थोड़ा सा गाड़ी के बारे में सोचो और थोड़ा हमारे बारे में सोचो। हमारी तो शादी भी नहीं हुई, आप समझते क्यों नहीं हो? Come on, buddy. Come on to me. Baby, जरा अभी गोबर लगाइए, उससे पूछिए कि काफी हो गया या असली खेल शुरू करूं? पूछ रहे हैं काफी हो गया या असली खेल शुरू करो। उनसे कहिए कि अभी तक मैं उम्र का लिहाज कर रहा था, वरना कब का घर पहुंच गया होता। कह रहा है कि अभी तक
आपकी उम्र का लिहाज कर रहा था, वरना कब का घर पहुंच गया होता। अच्छा उनसे कहिए कि उम्र की बात करने से मेरे हौसले जो हैं वो कम नहीं हो जाएंगे। ये कार रेस है, एक्सपीरियंस की जरूरत होता है। सुना ना, एक्सपीरियंस की जरूरत होती है। एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस ठीक है माँ, उनसे कहिए कि जोश, हॉट ब्लड, यंग ब्लड लाएंगे कहाँ से। अच्छा बताती हूँ। अच्छा भला मैं उनको हैंडीकैप दे रहा था, लेकिन बड़ी भी ना। क्या हुआ सर? वो देखो वो सामने गाड़ी में जो ड्राइवर, वो मोबाइल यूज कर रहा है। चीटिंग। मैं वक्त तो थी। अरे बेटा हूँ। ओह। उनसे ये जरूर कहना कि this is a race between man and machine. He may have the better machine, but I'm a better man and he knows that. सुनो, अभी। आमा। अरे ये कहाँ से आ गया? क्या बात है हवलदार साहब? कह रहे शाले, गाड़ी चलाते टाइम मोबाइल पे बात करता है। मोबाइल? चल गाड़ी साइड में लगा, लाइसेंस निकाल। आज से मैं कभी लैंडलाइन साइड में लगा क्या मोबाइल की बात करता? सुना नहीं क्या? गाड़ी साइड क्यों आ गए? कोई बात नहीं, बेटर लक नेक्स्ट टाइम, अगली बार तैयारी करके आना। वेलकम टू चीटर्स पैराडाइज। अगर कोई आपसे कहे कि बेईमानी में कोई फायदा नहीं है तो मत मानिएगा उनकी बात, क्योंकि बेईमानी में फायदे ही फायदे हैं। लुक एट दिस, एक मेरी आपसे एक इल्तिजा है कि सही रास्ते पे चलना, और आपसे भी बड़ी। ये तो हारते हो यार, ऊपर से रोते हो। देख बड़ी, जीत तो मैं तुमसे सकता नहीं हूँ, हारना चाहता नहीं, इसलिए थोड़ी बहुत चीटिंग कर लेता हूँ। आफ्टर ऑल आई एम फादर यार। जिस दिन मैं बाप बन गया ना, मैं अपने बच्चे से चुन चुन के गिन गिन के बदले लूंगा। तुम्हें पहले बाप बनना पड़ेगा, अभी तो चल के गोभी के पराठे खा। पराठे पे दर्ज किया है। हाँ जी, लाखों गुना नहीं, कोई बात नहीं। रुक जाओ सब के सब। साहु जी अरे छोटे, तू अपने आप को समझता क्या है? अरे 7 साल बाद मुंडा घर पर वापस आया है, ना मुझे कोई खबर ना कोई फोन। ये तो पूछी, यहाँ काम के सिलसिले में था इसलिए इसने मुझे फोन किया। बौजी रहन देना तुसी, अभी यार क्या हाल है? अरे पागल है क्या? आई भाई पागल। रुको सुमना, सुमना पैरी कौन बड़े दादा स्वागत रहो पुत्र जी। एक बात बताओ, ये छोटा तो पहले से पागल है, पर तेरी भी मत मारी गई कि पूरे रस्म रिवाज सब भूल गए। इतने सालों बाद पुत्र घर आया है, सैकड़ों गोरी मेमोरी नजर लगाई होगी, नजर ने उतारनी इसकी। पूजा की थाली लाई रही थी। किशन आई मैम साहब। किमेली इधर आ जी। ओके किशन सर पेट अंदर। बड़ी ये सब क्या है? चुपचाप आरती करवा लो, नहीं तो ताया जी पूरा हवन करवाएंगे। बाकी सब तुम परिचित हो, वो कहाँ गए? एक और ये नया एडिशन है, मार्ट है रोपड़े। लेकिन ये हॉस्पिटल है। चलो तुम्हारे कैबिन में दिखाता हूँ। ये है तुम्हारा कमरा। आई लाइक इट, आई लाइक इट, आई लाइक इट। थैंक यू वेरी मच डैड, थैंक यू। किसी भी इंसान की जिंदगी में वो दिन वो पल सबसे ज्यादा खुशगवार होता है जब उसका बेटा उसकी जिम्मेदारियां बांटने लगे, उसकी कुर्सी पर बैठे। वाकई आज मुझे मालूम पड़ा कि एक जवान बेटे का बाप होने में कितनी खुशी। बड़ी दिल और मन दो कह रहे हैं कि आपके चरण छूए। थैंक यू, आई लव यू टू बेटा। जीते रहो, यशस्वी बनो। थैंक यू, जिंदगी में बहुत काम कर लिया बेटे, अब तो बस आराम ही। करेक्ट, इस उम्र में आपको आराम करना चाहिए। उम्र की बात मत कीजिए आप, वो किसी ने बहुत अच्छा लिखा है कि गो हाथों में जुम्बिश नहीं आंखों में दम है। रहने दो अभी सागो मीना मेरे। क्या हुआ? वेरी बैड। आपसे अच्छा भाई, वो ये मीना कौन है और क्या मम जानती है? नहीं, मम को बिल्कुल पता नहीं और उन्हें बताना भी नहीं। और वन कंडीशन हो, मेरी सेक्रेटरी का। हाँ सेक्रेटरी जरे सर, यू कॉल्ड मी। ये थैंक यू, ये मेरी सेक्रेटरी जूली। यस ये बड़ी, आप तो मुझे अल्कोहलिक बना के ही छोड़ेंगे। अरे ताया जी, आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे अकेले अकेले? अभी बेटे के आने की खुशी में पार्टी है, चेक कर रहा हूँ खाने पीने का इंतजाम चंगा है कि नहीं।
खाने का इंतजाम तो ये बने, पीने का आपका हो तो चक्के रख लीजिए। ओए खोते, हम पीते नहीं पिलाते हैं। हाँ, आप पीते नहीं पिलाते हैं ये तो हम मानते हैं, बताया जी एक बार पी के देखो फिर छूटेगी नहीं, ये हम जानते हैं। ऐसे दूंगा ना उल्टे हाथ का भंगड़ा पाता घूमेगा। मेरे नाल भंगड़ा पा ले, मेरे नाल that's the way it's gonna go, मेरे नाल गिद्दा पा ले, मेरे नाल like I said before, मेरे नाल भंगड़ा पा ले, मेरे नाल गिद्दा पा ले, आजा सुनिए गिरिए कहानी उतनी ताजा जितनी पुरानी कोई भी ना मुझसा है यहाँ। I'm telling you man, you got something? मुझ में भी है जोश जवानी, कोई भी ना मेरा सानी, मेरे जैसा कोई है कहाँ। I'm telling you, डरती कमान हूँ, महफिल दी जान हूँ, अभी मैं जवान हूँ, बल 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 बल, चलता शबाब हूँ, चलो जश्न मनाए, चलो नाचे गाए, बेटी ओ ये, चलो पी लो बाजी, उड़ जी लो बाजी, listen to my song. इश्क विश्क भी करती है मुझ पे आज भी मरती है तुझसे ज्यादा गुड़िया मेरी जान। आओ आओ होश में आओ, उम्र पे तरस अब खाओ, ऐसे भी करो ना मस्तिया। मेरे मुन्ने राजा, ओए ओए ओए, मेरी उम्र पे ना जा, ओए ओए ओए, मेरे सामने आ जा, बल 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 बल, ओए ओए ओए, अच्छे दिखा दूं मैं, शेर बकर हूँ, मैं तेरा पुत्र हूँ, लंबी अलाप हूँ, हर दिल की छाप हूँ, मैं तेरा बाप हूँ, पहन दे टके मैं तेरा बाप हूँ। चलो जश्न मनाए, चलो नाचे गाए, बेटी ओ ये, चलो पी लो बाजी, उड़ी लो बाजी, अच्छी बात है बोला सर। चाय सर, मैं चाय नहीं पीता हूँ, मैं सिर्फ काली कॉफी पीता हूँ। नो काली कॉफी, नो ब्लैक कॉफी, कम ऑन, रोप आउट ऑफ इट। हे बड़ी, गेट अप गेट अप गेट अप गेट अप गेट अप गेट अप गेट अप, करो चलो चलो। नहीं बड़ी, ढेर सारा काम पड़ा, कौन संभालेगा? हां काम, आज सैटरडे है, हाफ डे, काम के साथ-साथ थोड़ा खेल भी होना चाहिए। गोल्फ विद हुम? विद मी।
काश की होल के अंदर गया होता. आई नो आई नो आई नो. लेट्स सी योर शॉट बॉय. ओके वॉच दिस. What are you saying? Good shot, huh? Buddy. Yeah. आप भरपूर जवानी में क्या खेला करते थे? What do you mean भरपूर जवानी? अभी कहाँ? No, I mean जब मेरी तरफ बच्चे थे. तब गरीबी थी, buddy. इतनी रईसी कहाँ थी? कभी-कभी गोली टुकड़ा खेल लिया करते. Don't mind, buddy. Yeah. लेकिन आज भी आप वही खेल रहे हो. Yeah. Buddy. Good, huh? Good shot. I like this game. Hey, पढ़ो ना. आधा लेके आ. This is gonna be so much fun. Okay. Let's see you watch, buddy. Watch, buddy. Hey, shit! No, no, what's good? Meri baat. Gonna win the game, doc. You know, buddy, मुझे गुस्सा और शर्म दो. Buddy. क्या? ये बॉल यहाँ पे कैसे आया? ये किधर? हाँ? वहाँ से मारा यहाँ करके ना ये. Are you sure? Yeah, I'm sure. I'm going to win this game. Watch. No, you cheating. Yes! You're cheating. Ah, no, I'm not cheating. Nobody. No, you're cheating. Yaar, aapne race mein bhi cheating kiya tha. Yaar, tu rota hua tha bilkul apni maa ki tarah. Maa pe gaya? Aur kya? Maa ki kaisa? Aur kya? Live ball dikhai? Haan, ye lo. Hey, hey, kya kar raha? Maa bhi plate phenkti hai na? End of game time. How beautiful. अच्छा हुआ मिली वरना मेरा गेम खराब हो जाता. एक्सक्यूज मी, आपको मेरा नाम किसने बताया? आपका नाम? मुझे क्या मालूम आपका नाम क्या? अभी अभी तो आपने कहा अच्छा हुआ मिली. ओ, वो मैं अपने बॉल के लिए कर रहा था अच्छा हुआ मिली. आप भी मिली है क्या? जाइए यहाँ से. एक तो मेरी पेंटिंग खराब कर दी ऊपर से. पेंटिंग? कौन सी पेंटिंग? प्लीज लीव. अरे मेरे माँ भी अजीब है, पहले जाने के लिए कहती है फिर कहती है प्लीज लीव. बड़ी नाम मैसेज बड़ी. एक तो आपने ये सब काम जाम फैला करके आप यहाँ फैली हुई बैठी हैं, ऊपर से मुझे डांट रही हैं. दिस इज अ गोल्फ कोर्स मैडम, यहाँ पैसे देकर के खेला जा रहा है, कोई पार्क वार्क नहीं है. देखिए अपने पैसों का रोब मत दिखाइए. कितनी मुश्किल से पापा ने आप पेंट करने के लिए परमिशन दिलवाई थी, आपने मेरे पेंटिंग का सत्यानाश कर दिया. इसे आप पेंटिंग कहते हैं? उल्टा क्या है सीधा क्या है कुछ पता नहीं चल रहा, काले काले धब्बे लगे हुए. बल्कि आपको तो मुझे धन्यवाद देना चाहिए कि एक और धब्बा लगा करके मैंने इस पर. हेलो, अरे सुनिए सुनिए. हेलो मैडम, एक्सक्यूज मी, मैम मैं सिर्फ मजाक कर रहा था. Hey. Okay, buddy. Let's resume the game. Buddy. Hey, buddy. मेरे तीन दिन की मेहनत पे पानी फेर दिया और उसके ऊपर पैसों की धौस. पैसा नहीं हुआ भगवान हो गया. उसके सामने ना किसी की फीलिंग्स ना इमोशंस. लाइए मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ. तुम तो उस बुड्ढे के साथ खेल रहे थे ना, यहाँ क्या कर रहे हो? ओ आओ आओ, तुम भी दो चार धब्बे लगा दो. नहीं नहीं नहीं, देखिए जिस हिसाब से आपके साथ पेश आए ना, आई एम वेरी अपसेट. ज्यादा नाटक मत करो. नहीं नहीं सीरियसली, काफी बदतमीजी से पेश आए आपके साथ ये. क्यों, तुम इस सन की बुड्ढे के साथ नहीं हो? सन की बुड्ढा? देखिए ना मैं सन की हूँ और ना मैं बुड्ढा. हाँ, अपने प्यारे प्यारे माँ बाप को सपोर्ट करने की खातिर मैं उनके पास भी जरूर गया हूँ 10,500 रुपए के लिए पर मंथ. मैं इनकी यहाँ नौकरी करता हूँ, वो मेरे बॉस हैं और मैं उनका पपेट. बहुत ही क्लीशे लाइन है लेकिन आपको पता होगा कि पापी पेट की क्या क्या करना पड़ता है. गोल्फ खेलना भी. गोल्फ? गोल्फ खेलना मुझे नहीं आता, मैं गिल्ली डंडा वाला हूँ. गोल्फ खेलना तो ये अमीरों के चुचले हैं. लाइए मैं कुछ उठा लेता हूँ. लाइए दे दीजिए ना मुझे. तरीके सिर्फ पेंट ही तो है इसमें, मैं उठा लूंगा. अरे अभी भैया, विनाश करके अंतिम संस्कार करवाएगा, मुझे परलोक भेजेगा. भेज मेरे भाई, इस गुरबत की जिंदगी तो मौत अच्छी है. जानी निकाल दी मेरी जी. ये अमीर आदमियों के पास ही पैसा क्यों होता है? अच्छा, मतलब निकल गया तो पहचानते ही नहीं, लड़की क्या मिली हमें जानते ही नहीं. टैक्सी ले ले. तुम्हारे पाँव थक गए हो तो तुम ले लो, मुझे आदत है. लेकिन सर, चिल ड्यूड. रो पड़े, लगता है आज हम रो पड़े.
one. मिली हेलो, जाइए पता करिए हमारी जवान बेटी ने अचानक अपने पूज्य माता पिता को पहचानना क्यों बंद कर दिया है। जाइए मिली क्या है, इतनी झिल्लाई हुई क्यों हो? कुछ नहीं मामा, मैं बहुत परेशान हूँ, प्लीज लीव मी अलोन। अरे लेकिन क्या बात है, इतना गुस्सा क्यों है? मैं अपनी पेंटिंग का मातम मना रही हूँ। अभी आप जाओ यहाँ से, मुझे अपना दिमाग ठंडा कर लेने दो। रजत का दो बार फोन आया था, उसे फोन कर लेना। ओके बस नंबर वन टू रिच। बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ। अच्छा ऐसे क्यों देख रहे हो? चलेगा। नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था जो आप समझ रहे हो। Actually, you know what? Perfect. भैया, आपके इरादे बिल्कुल नेक नहीं लग रहे हैं मुझे। यार, किसी का प्यार पाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? चल से छोड़ उधर। मामा जल्दी छोड़ दिया। नहीं, मैं वैसा नहीं। मुझे बचपन से जानता है कि मैं वैसा हूँ नहीं ना, लेकिन कभी कभार इमरजेंसी में ये सब करना पड़ता है। आपको क्या इमरजेंसी है? अरे तू समझेगा नहीं है, जल्दी शर्ट निकाल। आप मालिक है, आप कुछ भी कर सकते हैं। वाह यार पंची, क्या बॉडी बनाई तूने। थैंक यू रोमा, सिर्फ शर्ट निकाल सवाल है। आपको सिर्फ शर्ट ही चाहिए थी पंची, तू क्यों तैयार हो गया था? ओहो, ना ही खुद नाश्ता किया ना ही मुझे करने दिया, बस 2 घंटे से बस नंबर 1 के पीछे पीछे। अरे लड़की के पीछे भागना तो सुना है, पर बस के पीछे? अभी भैया वड़ा पाव हो जाए, बड़ी जोरों से भूख लगी है। अब एक दिन नहीं खाएगा तो मर जाएगा क्या? आज अगर ये नहीं मिली तो मेरा पता नहीं क्या होगा। क्या नहीं मिली अभी भैया? Shut up, do not ask me too many questions. Oh my God! What a coincidence! हम लोग इतनी जल्दी जल्दी बार बार मिल रहे हैं। ऑफिस नहीं गए? छुट्टी है क्या? ऑफिस में कोई छुट्टी नहीं, लेकिन ऑफिस से मुझे छुट्टी दे दी। क्या? पर क्यों? वो क्या है कि हमेशा से मेरा प्रिंसिपल रहा है कि मैं गलत को गलत ही बोलता हूँ, फिर चाहे किसी को बुरा लगे या अच्छा, आई डोंट केयर। मैंने बॉस को झाड़ दिया, मैंने उनसे कहा कि जो भी आपने किया अच्छा नहीं किया, आपने किसी का दिल दुखाया, किसी को नुकसान पहुंचाया, बड़ा गया मुझ पर, बोले कल का बच्चा आके मुझे लेक्चर दे रहा है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो। इस्तीफा लिखा मैंने, पट्टी मारा उनके चेहरे पर। भाई कम ऑन, प्रिंसिपल ज्यादा इंपॉर्टेंट है या बॉस? आई एग्री, लेकिन मेरी वजह से तुम्हारी नौकरी चली गई, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। पर अब तुम क्या करोगे? मेहनत करूंगा, मुशक्कत करूंगा, नई नौकरी ढूंढूंगा। जॉइन द गैंग। अरे मुझे उतरना। अरे मुझे भी यहीं उतरना। कल मैं पूरी रात नहीं सो सका तुम्हारी आपकी पेंटिंग के बारे में सोच रहा था। अब बॉस के लिए तो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा था, लेकिन आपके तो एक फुल कॉन्सेप्ट आर्ट, और न जाने कितने कितने इमोशन जुड़े होंगे आपके साथ। ये आप क्या लगा रखा है जी? तुम कहो ना। तो क्या मैं आपको तुम बुला सकता हूँ? Why not? How lovely, how lovely. वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम है अविनाश। आप तुम मुझे अभी बुला सकती हो। तुम्हारा नाम क्या है? मालविका। लेकिन अपनों के लिए मिली। तो फिर मैं आपको क्या बोलूँ? मिली। मिली। How lovely. तुम चाय पियोगे?
चाय? क्यों? आपको चाय अच्छी लगती है? बहुत अच्छी लगती है। You know, I love tea. I love tea. चले? James. Yes, ma'am. दो चाय लाना। यहाँ की चाय पियोगे ना? तो बार बार यही की चाय पियोगे। अच्छा? It's really, really very good. Yeah. क्या हुआ? पियो ना। सर, चाय? अरे, ओके। तुम्हें तो चाय पीनी भी नहीं आती। वैसे अभी अब तुम करोगे क्या? डेस्टिनी जाने। डेस्टिनी? तुम डेस्टिनी में बिलीव करती हो? क्यों? देखो ना, इतने बड़े शहर में रहते हैं, आज तक कभी नहीं मिले, और जब मिले तो तीन बार 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 लगातार मिले। तीन बार कैसे? पहली बार मैंने तुम्हें एयरपोर्ट पे देखा था, तुम कुछ ये कर रही थी। तुम एयरपोर्ट पे क्या कर रहे थे? मैं अमेरिका से अपने बॉस के बेटे को लेने आया था। अच्छा, और तुम? मैं अपने बेस्ट फ्रेंड को सी ऑफ करने गई थी। बेस्ट फ्रेंड? बॉयफ्रेंड? नो, मैं रिश्तों में मिलावट नहीं करती। चले? चलो। ओके। जितनी भी चाय पी बहुत अच्छी थी। अच्छा, मैं चलती हूँ। कहाँ जा रही? कुछ काम है। फिर कब मिलेंगे? तुम डेस्टिनी पे बहुत बिलीव करते हो ना, उसी से पूछ लो। उसी से तो पूछ रहा हूँ। बाय। बाय। रजत को कह रहे, मैं बाद में फोन करूंगी, पापा मुझे बाहर जाना है। योर टी सर। तो आखिर तुम्हारी डेस्टिनी तुम्हें यहां ले ही आई। अब तो तुम भी डेस्टिनी में बिलीव करती होगी। मानियो, बार बार मिलना डेस्टिनी नहीं तो और क्या है? डेस्टिनी भी हो सकती है और ये भी हो सकता है कि यू आर फॉलोइंग मी। हाँ, बिल्कुल हो सकता है। देखिए, जो भी हो, इजंट इट फनी, कल तक हम एक दूसरे को जानते भी नहीं थे और आज। और कल? वो तो डेस्टिनी ही जाने। Beautiful, so beautiful, very beautiful. ये sunsets मुझे हमेशा उदास कर देते हैं। देखते देखते ये खूबसूरत रंग अंधेरे में खो जाते हैं। हाँ, ताकि एक नया सूरज फिर से निकले, क्योंकि after every sunset there's a sunrise, एक नया दिन, एक नई उम्मीद, एक नई शुरुआत। और जिस दिन तुम ये बात याद रखोगी, आप कभी लाइफ में उदास नहीं होगी।
शिट क्यों बट यू गो इनसाइड मैं 5 मिनट में आया ओके पंची यहीं पे रुकना अभी अरे अभी भैया क्या कर रहे हो तुम आगे पीछे देख के रोड क्यों नहीं क्रॉस कर सकते स्टूपिड स्टूपिड आई एम स्टूपिड थैंक यू लेकिन इसमें गलती मेरी नहीं है आपकी है मेरी मेरी क्यों क्योंकि आप हमेशा मुझे रास्ते की इस तरफ क्यों मिलती है क्यों व्हाई अच्छा ये सब छोड़ो पहले ये बताओ कि तुम उस सभी बुड्ढे के साथ क्या कर रहे थे गुड क्वेश्चन आई समझाता हूँ कल रात को करीबन 11:30 बजे मेरे घर पे आए और फूट फूट के बच्चों की तरह आई एम नेवर सीन एनीथिंग लाइक दैट रोने लगे मेरी नौकरी मत छोड़िए आई मेल्टेड अब इतना बड़ा आदमी फूट फूट के रोए अच्छा नहीं लगता सो आई जॉइन देम अगेन तुम सच कह रहे हो ना ऑब्वियसली ड्यूड इसका मतलब तुम सारी जिंदगी पपेट बनकर नाचोगे और उनके साथ गोल्फ खेलोगे एम्बैरेसिंग चीज तो ये है कि खेलूंगा भी और हारूंगा भी किसी को खुश करने के लिए समझौता करना इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी होती है Correct. तुम्हें खेलना भी चाहिए और जीतना भी चाहिए No chance. Because I don't know कुछ भी about golf. मैं तुम्हें सिखाऊंगी तुम्हें आता है? क्यों नहीं गोल्फ प्रो की बेटी हूँ बचपन से गोल्फ खेल के ही बड़ी हुई हूँ Oh my God. I'm so sorry, मैंने तुम्हें पहले पहचाना नहीं It's so nice to meet you. तुम टाइगर वुड्स की बेटी हो? जीत तलवार कौन? देखो मजाक छोड़ो तुम्हें okay. सीखना है कि नहीं? Of course सीखना कब सिखाऊं? कल शाम 4 बजे चक्की पूजा बहुत सिंपल है कोई भी गेम सीखने से पहले उस गेम के लिए पैशन होना चाहिए right. लगाव होना चाहिए लगन होनी चाहिए और प्यार होना चाहिए वाओ व्हाट अ शॉट तुम ट्राई करो हाँ ऐसे मिली थ्रो स्टांस मुझे गोल्फ से कोई लगाव नहीं मुझे लगाव है तो पैशन है प्यार है तो मुझे मेरी गोल्फ सिखाने वाली से जाने जा खा के कसम
शिकायत तो मुझे तुमसे करनी चाहिए। इतने कॉल्स किए और तुमने एक भी कॉल रिटर्न नहीं किया। टाइम नहीं मिला, पर तुम्हें मिस बहुत किया। कितना मिस किया? बताओगी नहीं? नहीं बताऊंगी। वैसे तो ये सच है कि जगह की दूरियां अक्सर दिलों की नजदीकियां बन जाती है। मिस तो मैंने भी तुम्हें बहुत किया। बातें बनाना बंद करो। हाँ छोड़ मेरा। अरे यार, गाने वाला गाएगा नहीं तो खाएगा क्या? हे मिली, मिली इधर देखो। वाह, चेहरे पर ये ग्लो, आंखों में ये चमक, तुम तो पहले से और खूबसूरत हो गई। क्या बात है? यही तो, यही बताने के लिए तो मैं कितनी बेचैन थी। I'm in love, राजत। मुझे प्यार हो गया है। I love him. I just love him. I love Abhi. I love him so much. I just love him. Hello? मिली है? Who's speaking? नीतू कोहली। नीतू जी, एक मिनट। Okay. मिली? नीतू जी का फोन है। मिली? मिली? जी माँ। नीतू जी का फोन है। नीतू जी। Hello? Good morning, मिली। Good morning, नीतू जी। तुम्हारी तीनों पेंटिंग्स एक ही कस्टमर ने खरीद ली। Really? उनका एड्रेस लिख लो। जी 50 गैलेक्सी अपार्टमेंट जी नरिमन पॉइंट। ओके ओके, थैंक यू नीतू जी। यू वेलकम। मां, क्या हुआ? मेरे तीनों पेंटिंग्स बिक गई। वाह, आई एम सो एक्साइटेड। मोर आफ्टर रश। बाय। वैसे नाम क्या है उसका? किसका? वही जिसके ख्यालों में तो खोई रहती है। अविनाश। पर तुम्हें कैसे पता चला? मां हूं मैं तेरी। I love you, mom. I love you too. Okay, I got it. Yes, ma'am. I'm मिली तलवार। आपकी इंटीरियर डिजाइनर नीतू कोहली ने मुझे ये पेंटिंग डिलीवर करने भेजे हैं। मैं किससे मिल सकती हूँ? बड़े साहब तो मीटिंग में है, आप छोटे साहब से मिल लीजिए। रोपड़े। हाँ जुली। रोपड़े, मैडम को छोटे साहब के केबिन में ले जाइए। आप मैडम आइए 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 ना। सर चाय। अगर प्यासा मर रहा हूँ सिर्फ चाय पीने के लिए, तभी मैं कितनी बार आपको तुम
तुम यहाँ कैसे? यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुमसे मिलने नहीं आई। नहीं, तुम्हारे इंटीरियर डिजाइनर ने ये पेंटिंग डिलीवर करने और अच्छा, चेक कलेक्ट करने। तो एक काम करते हैं, ये पेंटिंग यहाँ पे छोड़ दो, चेक में काट देता हूँ। एक काम करता हूँ, चेक में तुम्हें इन स्टाइल घर पे पहुँचा दूंगा। लेकिन तुम मुझे यहाँ से इतनी जल्दी भगाने के चक्कर में क्यों? नहीं तो, नो। ये बुढ़ा जैसा भी हो तुम्हें रिस्पेक्ट बहुत दिलवाता है ना? छोटे साहब। बेटा ये पक्का से ईमेल आ। बेटा, अरे तुम? हाँ, बेटे को बेटा कहने में कोई अपराध है क्या? मिली बड़ी मुझे कुछ नहीं सर। बात तो सुनो प्लीज। मिली प्लीज, लेट मी ट्राई एक्सप्लेन। जो मतलब के लिए अपने बाप के बारे में झूठ बोल सकता है वो कभी सच बोल ही नहीं सकता। वो क्या किसी का दोस्त बनेगा, क्या रिश्ते निभाएगा? अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो प्लीज। तुमने ठीक नहीं किया। इट्स नॉट फेयर। आई रियली लाइक यू। And it's all your fault. What? कि जिंदगी भर आपने बड़ी 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 बुलाया है। And suddenly, अचानक, ये आपको क्या हो गया? Where did बेटा come from? अरे भाई, बेटे को बेटा नहीं बुलाऊंगा तो और क्या बुलाऊंगा? हाँ, correct है। फिर ये देखो, क्या ये? झगड़ा आपने किया। वो कर मुझे पड़ रहा है। झूठ तो तुमने बोला ना? हाँ, but I didn't have no choice. Why? क्योंकि आपको पता, आप क्या बुलाती? क्या बुलाती? बड़ी ना? नहीं, क्या बुलाती? नहीं, 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 बताओ मुझे क्या बुलाती? सन के बुड्ढा। देखिए, आप हंस सकते हो तो हंस भी नहीं सकता था। तो उससे प्यार कर। यस फादर। शादी कर। यस फादर। इसे बोलो ना, मैं जाके बात करता हूँ। नहीं, बट क्या? डू यू लाइक? हाँ, मुझे पसंद। आर यू श्योर? या या, आई लाइक। अरे छोटो नहीं तो फंस जाएगी। मिली, मिली, मिली। मुझसे तो तुम पहले से ही नाराज हो, पर मेरे बेटे ने भी तुम्हें रोने दिया। आई एम सॉरी। बातों से ऐसा लगा जैसे उसने तुमसे कुछ झूठ कहा है, तुम्हें हट गया, गलत किया उसने। लेकिन गलत क्यों किया, ये भी सोचने वाली बात है ना? हो सकता है वो तुम्हें चाहने लगा हो और तुम्हें खोना ना चाहता हो। Love can do strange things, you know. लेकिन तुम्हारी आंखों में आंसू मुझे तकलीफ दे रहे हैं। तकलीफ उसे भी हो रही होगी। ये कमबख्त मोहब्बत है ही बड़ी मुसीबत वाली चीज। अक्सर इम्तिहान लेती है, लेकिन खुशियां भी देती है। और मैंने तुम दोनों की आंखों में वो खुशियां देखी। जल्दबाजी में उन खुशियों को खो नहीं देना चाहिए। अविनाश की तरफ से और मेरी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूं। और अगर तुम हमें माफ कर दोगी, हमारी न्यू ईयर पार्टी में जरूर आना। मैं गाड़ी भेजता हूं। मैं जानता था तुम इस वक्त यहीं होगी, और तुम ये भी जानती हो। I hate tears in your eyes। और वैसे भी आंसू बहाने का नहीं, मुस्कुराने का मौका है। यू नो मिली, तुम बहुत लकी हो। जिसे चाहती हो वो तुम्हें तुमसे कहीं ज्यादा चाहता है। राजेती बात देखो, दिल के मामले में दिमाग का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उलझने बढ़ जाती है। दिल के मामले में दिल का इस्तेमाल करना चाहिए। दिल कभी झूठ नहीं बोलता।
मिली जी के लिए गाड़ी लेके आया हूँ। अभी बुलाते हैं। मिली गाड़ी आ गई बेटा। अंकल मैं अभी आया। ओके। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अब तुम्हें पूछने की जरूरत पड़ने लगी स्टूपिड। अंदर आ जा। अच्छा हुआ तुम आ गए। कैसी लग रही हूँ मैं? सच बोल रही है? झूठ? झूठ तो तुम हमेशा बोलते हो, आज सच ही बोल दो प्लीज। You're looking absolutely horrible. वैसे तो तुम लग बहुत खूबसूरत रही हो, लेकिन कुछ अधूरापन है। अधूरापन क्या? ठीक है रजन, अब पूरी हो गई? अब हो गई। जाओ। थैंक्स रजन, थैंक यू वेरी मच। अच्छा किया तुम आ गई, वरना हमारी कहानी अधूरी रह जाती। हाँ मिली, मुझे तुमसे कुछ कहना है। इन खामोश पत्थरों ने गुजरे सालों में बहुत सी कहानियां देखी सुनी और खुद में जज्ब कर ली होंगी, लेकिन आज मैं तुमसे जो कहना चाहता हूं वो बात ही शायद पहली बार सुनेंगे ये भी और तुम भी। यहां देखो मिली, मेरी तरफ। मैंने तुमसे झूठ बोला, गलत किया, तुम्हारा दिल दुखाया और भी गलत किया। मैं तुमसे ये नहीं पूछूंगा कि तुमने मुझे माफ किया, क्योंकि दिल की आवाज कानों से नहीं दिल से सुनी जाती है। मैं तुमसे इस खंडर जिसके अंदर हजारों कहानियां बंद हैं एक वादा करता हूं मिली, कि तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। खुशियों की मंजिल हमसे सिर्फ एक कदम दूर है और मैं तुम्हारा हाथ थमकर उससे पाना चाहता हूं। Come on, dude. I want to grow old with you. Will you marry me? Will you marry me? Come on, say yes. Say yes. Say yes. Come on, say yes. Say yes. Yes. Buddy, she said yes. Badai, badai, bad, bad, badai. जानती है? कौन है? सबकी बुड्ढा। थैंक यू मिली फॉर कमिंग। थैंक यू। पता है मिली, एक बार इन्होंने मुझे भी यहीं पर बुलाया था। कभी हमारे भी प्यार में गलतफहमी आ गई थी जो हम लोगों ने यहीं पर दूर की थी। वैसे बाप बेटे दोनों टोटल लॉस लेकिन इन्होंने मुझे बहुत खुश रखा है और मैं देखूंगी कि ये भी तुम्हें खुश रखे। ये लीजिए आपका है। आपने अपने हाथों से बनाई है? नहीं। तो फिर अच्छी होगी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मामा आपने डैड को बताया? मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। कहो। नमस्कार। नमस्कार। गुड मॉर्निंग। कौन है ये लोग? मैं बताने वाली थी लेकिन वो नहीं बताया हो तो मैं बता देता हूं। भाई साहब मेरा नाम है बलराज कपूर। ये लोग यहां क्यों आए हैं? मैं बताने वाली थी। ना बताओ तो मैं बता देता हूं। ऐसा है भाई साहब कि हमारे जो बच्चे हैं वो एक दूसरे को चाहने लगे हैं। और वो आपकी तारीफ
जी मेरा नाम है जीत तलवार। हाँ भाई जी साहब, हम तो याचक बनकर आए आपके सामने, बेटी का हाथ चाहिए, निराश मत कीजिएगा। ये फैसला करने का हक सिर्फ मुझे है। हैं? मुझे। ये कौन है माँ? ये आपके, ये मेरे बचपन के दोस्त का बेटा है और मेरी बेटी का बचपन का दोस्त है और बेस्ट फ्रेंड रजत वर्मा। नमस्ते अंकल। नमस्कार। नमस्ते आंटी। नमस्ते। और ये साहब। हाय मैम। साहब अविनाश कपूर, तो आप हैं जिन्होंने चार गाने गाकर आठ डायलॉग बोलकर मेरी मिली को फंसा लिया और ये सोचकर यहाँ चले आए कि बड़ी आसानी से वो आपको मिल भी जाएगी। जी गलत सोच रहे आप हैं। अपनी मिली का हाथ में एक ही शर्त दे सकता हूं। शर्त? वो शर्त में कैसी शर्त? तुम मिली को हमेशा खुश रखोगे और भूल से भी किसी ने उसकी आंखों में आंसू का एक भी कतरा दे डाला मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। I will kill him. रजत माय फ्रेंड, मेरी बात गौर से सुनो, मैं आपको कभी मुझे मारने का मौका नहीं दूंगा क्योंकि जो आपकी शर्त है वो मेरे लिए एक वादा है। यू नो द समुंदर द सी कितना बड़ा होता है, मैं मिली को इतनी खुशियां दूंगा कि समुंदर भी उसके सामने छू लगेगा। सो नाउ यू थिंक आई एम द राइट गाय फॉर मिली? You deserve Millie. Thank you. दादू, छोटे दादू का फोन है। हेलो। हाँ जी, मैं बलराज बोल रहा हूँ, पेरीपन भाई साहब। हाँ जुदा रहा पुत्र, कैसा है? बस ये सब ठीक ठाक है, थोड़ा आशीर्वाद है भाई साहब। हाँ जी भाई साहब, एक छोटी जी खुशखबरी से की। खुशखबरी? ओ सुना। असी अभी दा ब्याह फिक्स कर देता है। ब्याह? खुशखबरी अभी दा ब्याह? ओ अगले हफ्ते ओदा ब्याह तय हो गया। अगले हफ्ते? ओए पागल हो गए, ना ठाका ना चुन्नी सीधे ब्याह? नहीं नहीं, ये हमारे खानदान की रिवायत नहीं है भाई साहब। वो होया है कि सारा कुछ इतनी जल्दी हो गया कि थोनू दस ही नहीं सके ऐसी। ओए मैं तेरी एक भी गल नहीं सुननी, बस भाई साहब मेरी गल सुनो, मेरी गल सुनो। की सुना गल तेरी? तुसी इधर आ जाओ, जो तुसी चाहोगे वैसा ही होएगा। मैं फोन रखता हूँ बस। पैरी कोना भाई साहब। जिंदी रहो बहू। आप माफ कर दीजिए ना। बहू तुम कहती हो तो मैं माफ कर देता हूँ, लेकिन है ये नलायक नंबर वन, रीति रिवाज में विश्वास ही नहीं। हाँ जी भाई साहब तुसी इतने आ जाओ, सारा काम थोनू ही संभालना है। और ये भी कोई पूछने की बात है? चल अच्छा, आप मुझे अपना काम करने दे बस। हाँ लो भाई, अभी की शादी तय हो गई है, फटाफट तैयारी करो। जा तैयार हो जा। हाँ जी भी। तू भी जा। पुशी ट्रेवल एजेंट को फोन करके टिकटें बुक कर। ठीक है भाजी, कल सुबह टिकट कराना मैं। सुनिए जी, अब तू खड़ी खड़ी यहाँ क्या कर रही है? मैं कह रही थी पुष्पा भी हमारे साथ चलेगी ना। क्या मत मरेगी ये तेरी? ब्याह शादी के शुभ अवसर पर विधवा का क्या काम, अपशगुन होता है अपशगुन। इन्नी गल भी समझ नहीं आती तेनू? बेअकल। नहीं जा, तैयारी कर, चल जा। नमस्ते बड़े भाई साहब। पुष्पा नहीं आई? अरे हाँ, वो सड़े बलवीर की बोटी नहीं आई। वो क्या, घर में इतनी बड़ी खुशी का मौका है, सब है बस पुष्पा। अरे उसको यहाँ क्या करना है? काम का। चल बे छोटे, जल्दी से नाश्ता लगवा, भूख के मारे पेट में चूहे कूद रहे हैं। चलो आइए आइए। अरे मिली, तेरे मेहंदी का रंग कितना गहरा रचा है। पता है गहरा रंग का मतलब क्या होता है? फिर तुझे जजी बहुत प्यार करेंगे। जीते रहो जीते रहो। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ जाके सेराबंदी की तैयारी करो, जल्दी जाओ। छोटे जी, जी देखो हमारे खानदान की रवायत है कि हर काम सही मुहूर्त पर होना चाहिए। जी मुंडा कितने तैयार हुआ कि नहीं? जी तैयार है, तैयार है। अरे किशन अभी भैया कहाँ हैं? वो बाहर गए हैं। बट यार ये लड़का पिटवाएगा मुझे।
किसी और का इंतजार था? अभी कोई देख लेगा तो? अरे देख लेगा तो देख लेंगे, लेकिन मुझे हर किस बर्दाश्त नहीं है कि मेरी दुल्हन को मुझसे पहले कोई और देखे। कितनी अच्छी लग रही हो ना मैं? You know what? I'm the luckiest man in this whole world. I agree with you. अब जाओ ना बाबा, प्लीज। जाओ? क्यों? Why? जाओगे नहीं तो आओगे कैसे डोली लेने? जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देव, माता जा की पार्वती, पिता महादेव। हे भगवान, बड़ी। ओह मॉम, इट्स ओनली यू। क्या करो, माँ हो ना, बेटे को डांट खाते नहीं देख सकती, और वो भी आज के दिन। थैंक यू मॉम। अच्छा ये बताओ, मेरी बहू कैसी लग रही है? बहुत सुंदर ना? जीस, लेकिन आपका क्लासी कुछ और। अच्छा बच्चू, माँ से ही मस्का। हाँ। अच्छा चलो, ताया जी गुस्से में इंतजार कर रहे हैं। ताया जी प्रॉब्लम माँ? अरे तुम्हारी बारात निकलने का टाइम हो गया। नमस्ते। नमस्कार यजमान, शुरू करें। ओए पंडित, पूछने की क्या बात है, शुरू कर। एक मिनट पंडित जी, जरा रुकिएगा। क्यों क्यों भाई, अब देर किस बात की है? बड़े बस, अब एक मिनट। अच्छा हुआ तो आ गई। पंची अभी के पास ले जाओ पुष्पा को, बहुत याद कर रहा था। चलिए चलिए। क्या बात हुई? I love you। अरे आज मैं क्या कुछ ज़्यादा handsome लग रहा हूँ क्या? जी नहीं, जैसे थे वैसे लग रहे हो, लेकिन प्यार तो तुम्हारी ऐसी बातों पर आ जाता है जो तुमने आज की है। सच पुष्पा आ गई, दिल भर गया। थैंक यू। जजमान आप प्रारंभ करें। आप शुरू कीजिए पंडित। ओम आनो भद्राः चतवो जन्मतो दग्धासो अपरितास उद्भिदाः देवानो यथा सद्मिद्रुले असन्न प्रायुः रक्षितारो दिवे दिवे। आप कन्यादान कीजिए। अद्रुं शरारुजवः सन्तु पन्था ये सखायो यन्ति नो वरेयम् समर्यमासं भगो नो निमियात् संजा सपत्यं सुयममस्तु देवाः आनप्रजां जनयतु प्रजापतिर् राजदसाय समनत्वर्यमा अगुरु मङ्गलपतिलोकमारिष कितनी देर कर दी तुमने, कब से ढूंढ रही हूँ तुम्हें। I know, बहुत देर कर दी, but you know, तुम्हारा एक एक आंसू मेरे लिए कितना कीमती है। अब रोना बंद करो, बस चलो।
रजत बाबू हमने नहीं रोलाया, पर वादा करते हैं कि आज के बाद कभी नहीं रोएगी। ये रूम में बड़ा बड़ा समुंदर, लुकिंग स्मॉल, बिल्कुल उससे भी बड़ी बड़ी खुशियां। तुम्हारे होते हो मुझे कोई फिक्र नहीं। थैंक यू। ये वाकई खुश रहेगी, है ना? ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। खेत में ले जाकर ठाक दो। मुझे तो कुछ भी नहीं आता। आता है ना, मुझे खुश रखना। एक्चुअली स्वर मेरे लिए थोड़ा सा बड़ा है, बड़े के लिए थोड़ा सा छोटा होगा, लेकिन हम दोनों के लिए बिल्कुल बराबर है। You know what बराबर means? What? Perfect.
हाउ स्मार्ट। एक्चुअली नो, फॉल्ट मेरा। क्यों? कि मैंने तुम्हें कभी सही मेजरमेंट्स दी ही नहीं, तो इसलिए से प्रॉब्लम क्या है? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, लेकिन आज करवा चौथ है, उससे मेरा क्या? अरे तुझे कुछ नहीं, मुझे तो है, मुझे तो अपनी बीवी 7 जन्मों तक चाहिए भाई। मुझे भी अपनी बीवी 7 जन्मों। तेरे मेरे जाने से कुछ नहीं होने वाला, फिर बीवियों को व्रत रखना होगा तभी कुछ होगा, ये सब कुछ मेरे डिपेंड करता है। तो फिर करे तो करे क्या? अरे चके देखे वहां तसल्ली करें कि ये लोग व्रत रख रहे हैं कि नहीं बिना चीटिंग किए। ओह गुड आइडिया बड़ी है ना, कम ऑन गुड आइडिया, लेट्स गो, कम ऑन, चलो हरिया। कुछ पहना नहीं बड़ी। हो गई तसल्ली? तसल्ली कैसे नहीं होगी बीवी? गुड मॉर्निंग माँ। बेटा हमारे सोने देना कपड़े पहने रहते हैं। चलो चश्मिश, बाय द वे ये आपका लास्ट मील है, एंड नो चीटिंग, बिकॉज आई वांट यू फॉर 7 जन्म्स। ओनली 7 जन्म्स? यस। मुझे तो तुम जन्म जन्म के लिए चाहिए। अच्छा पापा, क्या ये सच है कि ये व्रत रखने से अभी मुझे 7 जन्मों तक मिलते रहेंगे? हाँ बेटा बिल्कुल सच है। पहले ये जन्म तो ठीक से निभा लो। And by the way, my buddy never lies. कभी झूठ नहीं बोलते। अब हम आप दोनों को अपने हाथों से पैर खिलाएंगे। ठीक है, ठीक है, आइए। आप दोनों की सुविधा के लिए मैं ये सूचित करता हूँ कि चंद्र देवता को प्रकट होने में अभी 20 मिनट बाकी हैं। 20 मिनट और पापा? बस थोड़ा सा और सबर करो मिली। बढ़िया बैक हो। मम्मा कैसा दिन गुजरा आपका? और जश्मिर कोई जुड़ी उड़ी नहीं की ना? ये बड़ी कहाँ देखा तुमने चांद? बड़ी 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 बढ़िया चांद वहां नहीं, चांद यहाँ है। ये बनेगी माँ, माँ बनेगी ग्रैंड माँ, आप बनोगे ग्रैंड बड़ी और मैं सिर्फ बड़े। आज तुमने मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है। बेटा आज तुमने एक फादर को ग्रैंड बना दिया है, कितने खुश हो। चलो ना। कहाँ? अरे ये खुशखबरी हम होने वाले नाना नानी को सुनाएंगे ना। इतनी भी क्या जल्दी है बीबी, अभी जल्दी है। चलो क्या, ये तो मजा है एकदम। अच्छा बता वो कैसा होगा? कौन? वही हमारे प्यार भर लम्हों की जीती जाती निशानी, हमारा बेटा। बेटा है क्यों? क्योंकि मेरा प्यार हमेशा से तुम्हारे प्यार से ज्यादा रहा है, इसलिए वो बिल्कुल मेरी तरह होगा। कुछ तुम्हारी तरह कुछ मेरी तरह। What do you mean? My kishmis is going to be a chishmish. Mm. Oh, how sweet. I love you so much. Bye. Breathe in. Breathe in. And breathe out. And breathe out. Breathe in. And breathe out. Very good, beta. दूसरे बच्चे का नाम मत लेना। क्यों? इतना शौक है तो खुद ही पता कर लो। You are being very funny. अरे बच्चा पैदा करना टीम वर्क होता है। जैसे कि कोई क्रिकेट हॉकी और फुटबॉल अकेले नहीं खेल सकता, और कोई बिना पानी के स्विमिंग नहीं कर सकता, इसीलिए तुम्हारी बहुत जरूरत पड़ेगी बच्चा। अभी अभी बक बक बंद करो अभी प्लीज। क्यों क्यों अभी? क्या हुआ? क्यों मियां दिन भर खिंचाई करते रहते हो, बाप बनने वाले हो, देखिए कैसे बाप बनते हो तुम। आप सच्चे बनोगे? दादा बन गए हैं और तू पापा, बड़ा प्यारा सब बेटा हुआ है। कोई मुझे भी तो कंग्रेचुलेशन। तुमसे शुरू की हुई जिंदगी कहाँ से कहाँ? सच
नर्स ने जब इसे मेरे गोद में दिया तो मुझे लगा कि अभी ही मेरे गोद में आ गया है। वही चेहरा, वही एहसास, वही बाल। बड़े तुम इसे अपनी गोद में लोगे ना, और औलाद के जिस्म की गर्मी जब तुम्हारे सीने में लगेगी तब तुम्हें पता चलेगा कि सीने को कितनी ठंडक। इट्स ट्रू, बच्चा लाइफ चेंज के बेटा। नाम सोचा है? अंश। अंश का मायने क्या है पता है? पीस पार्ट टुकड़ा। ये हमारा पीस है, हमारा पार्ट है और हमारा टुकड़ा है। किधर का? जिगर का। जिगर का। गॉड ब्लेस यू। पिताजी यहाँ है। What's up, mom? तेरा बेटा है ना, बिल्कुल तेरे जैसा है। दूध पीने के लिए कितना तंग कर रहा है। wow. आज मुझे पता चला है कि मेरी बीवी faithful है। खबरदार मेरी बहू के बारे में कुछ कहा तो। Okay. जाके ढूंढो ना। Okay, आप मुझे दूध दीजिए। थैंक यू। पी नहीं रहा माँ, दूध ही मुझी बना रहा। अच्छा ठीक है, यहाँ ढूंढ लिया, इधर ढूंढो। यहाँ ढूंढा? हाँ। बड़ी यहाँ पे क्या कर रहा है? दादी से जो भी है वो दूध पिलाएगी ना। ओ, तो दादी से छुपा है या दूध से छुपा है? दूध। बड़ी को बड़ा होके किसकी तरह महसूस चाहिए? बड़ी की तरह। तो फिर तुम्हारे बड़ी ने क्या पी के महसूस बनाया है? दूध। दूध। तो फिर बड़ी क्या पिएगा? दूध। कब पिएगा? अभी। तो जल्दी से पी जा, सिप ले, हजम कर। सिप ले, हजम कर। अभी इसको रख, अब बड़ी और मैं क्या मारेंगे? सेवन। जल्दी, फास्ट, 1, 2, 3, शुड बी सिक्स पैक। हाय बड़ी, व्हाट्स अप बड़ी, आर यू डूइंग बड़ी, यू ओके बड़ी? आई लव यू बड़ी। कभी-कभी आप भी दाद दीजिए। जी माँ, आपने मुझे बुलाया? हाँ। देखो 27 को अंश का 4th बर्थडे है। मैंने सोचा कि एक ग्रैंड पार्टी की जाए। अंश बड़ा हो गया है, ही विल एंजॉय ना? जी मामा। लेकिन माँ मैं कल रात की फ्लाइट से लंदन जा रहा हूँ। देखा ना मामा, इनके पास फैमिली के लिए कोई टाइम नहीं है, कोई जरूरत नहीं है पार्टी वार्टी करने की। अरे पार्टी वार्टी क्यों नहीं, मैं लंदन जाऊंगा, मीटिंग खत्म करूंगा, वापस जल्द से जल्द आ जाऊंगा इन टाइम फॉर द पार्टी। ओ पार्टी, बात ऐसी है बेटे, ये एक बहुत बड़ी और इंपॉर्टेंट डील साइन करने जा रहा है। एक बार डील साइन होगी उसके बाद पार्टी है। पार्टी। The best quality stones. Look at the workmanship, the finish, and very reasonably priced. And you can only get this with us. Excuse me, my wife's phone. Hello. Hey, Chashmesh. कितने बजे की फ्लाइट है तुम्हारी? मीटिंग अभी तक चल रही है। ये गोले मेरा दिमाग खा रहे। क्या अब तो भाई हो निकले नहीं तो कल तक कैसे पहुंचोगे? पार्टी का क्या होगा? पहुंच जाऊंगा। हेलो हेलो, तुम्हारी खुशी से बढ़कर उसकी जिंदगी में और कुछ नहीं मिली। पर पापा वो अभी तक वहां से निकले नहीं। They must be really busy, बेटा। क्या है, क्यों परेशान कर रहे हो? मैं बहुत बिजी हूँ। अरे सुनो फोन मत काटना, मैं एयरपोर्ट पे हूँ। एयरपोर्ट? लंदन एयरपोर्ट? नहीं बाबा, बम्बई एयरपोर्ट पे। क्या तुम बॉम्बे एयरपोर्ट पे हो? मैं अभी पंची को भेजती हूँ। नहीं नहीं, उसे मत भेजना, मैं प्राइवेट टैक्सी ले लूँ। सी यू सून। माँ अभी आ गए हैं। पापा वो आ गए हैं।
जग तेरा है सारी महफिल में, तेरी तस्वीर है मेरे दिल में, तेरे दम से ही जिंदगानी है। अविनाश, आप तीनों से मिलना चाहते हैं। Thank you.
हमेशा कहता था आप चीटिंग करते हैं, चीटिंग करते हैं। यहां मैं चीटिंग करता था और सिर्फ खेल में। तूने तो जिंदगी को खेल समझ के मुझे चीट कर दिया। मुझे अपने पड़ी को, ये तो मेरे जाने का वक्त था बेटे। तू चल के, तेरे तेरे बिना मैं क्या करूंगा बेटे, क्या करूंगा मैं। मेरा बेटा, हाँ तुम्हारे साथ गया था, कहाँ छोड़ आए उसे तुम? बोलो जवाब दो। तुम तो कहते थे बेटे के चार संस्कार करके तुम्हारी जिम्मेदारी पूरी और पांचवा संस्कार बेटा करेगा। कैसे बाप हो तुम, अपने ही हाथों से बेटे का अंतिम संस्कार कराए। जब दुआएं मैंने रब से जाके तू मिला, बांट लेंगे मिलके दोनों साथी, शिकवा हो या गिला।
पुराने लोग जो रिवायतें छोड़ गए हैं उनमें सच्चाई तो है, शुभ कामों में विधवा का साया तक नहीं पड़ना चाहिए। इसीलिए अभी के ब्याह में पुष्पा को नहीं नलाया था, पर तू नहीं मान, ये देख अब क्या हो गया ये सब। मेरे बेटे की मौत का अपमान मत कीजिए बड़े भाई साहब। ये कपड़े बदलो। नहीं मम्मा, ये ठीक है। नहीं बेटे, रंगों ने तुम्हें और अवि को जोड़ा था। रंगों से दूर चली जाओगी तो अवि से दूर हो जाओगी। मम्मा, रंगीन कपड़े पहनने से जिंदगी के खोए रंग वापस नहीं आते, और वैसे भी रिवाज तो यही है कि रिवाजों से ज्यादा मुझे तुम्हारी फिक्र है अपनी बेटी की। मैं अपनी मिली को खोना नहीं चाहती हूँ। हे भाई, आपको मेरी नींद से क्या प्रॉब्लम है? I'm back home, buddy. I'm back home. मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। दादू, दादू, क्या हुआ दादू? शोभना, हमारा विनाश कहीं नहीं गया। शोभना, ये देखो, ये हमारा अभी, हमारा अभी। हाँ, अंशी हमारा विनाश है। कैसी हो बेटी? कैसे हो सकती हो अभी के बगैर माँ? बेटी चलो घर चलते हैं, अपने घर चलते। यहां रहोगी तो बीते हुए कल में उलझी रहोगी, बीता हुआ कल तो एक ख्वाब है, उसका न कोई चेहरा होता है न वजूद होता है। सच तो सिर्फ तुम्हारा आज है और तुम्हारा आने वाला कल, जो तुम्हें यहां रहते हुए नजर नहीं आएगा। बेटी, जिसके साथ बनकर तुम यहां आई थी वो तुमसे बहुत दूर जा चुका है। अब यहां कुछ नहीं है बाकी, कुछ भी नहीं। पापा, सब कुछ यही है, मेरा घर, मेरा परिवार, मम्मी, पापा, आज सब यही है। अभी तो चला गया, पर इन सब को छोड़कर मैं नहीं जा सकती।
यहाँ से नहीं जा सकती पापा, नहीं जाऊंगी। अंश, अंश, अंश। अली मैंने बच्चे यहाँ क्या कर रहा है? मैं बड़ी के पास हूँ, यहाँ उनकी खुशबू आती है। बच्चा अंश, तुम्हारे बड़े के बारे में एक बात बताओ। मुझे पता है वो गॉड के पास चले गए और ऊपर अकेले है ना, इसलिए बड़ी को बुला लिया। मेरे पास तो दादू है, दादी है, आप हूँ और मम्मा। मैं बड़ी से बहुत गुस्सा हूँ क्योंकि वो मुझे बाय भी बोल करने गए। सवाल बेहद एम्बेरेसिंग है मगर आपका जवाब भी जरूरी है। कंपनी के शेयर जो अविनाश जी के नाम पे थे और उसका जो प्रॉफिट उनके अकाउंट में डाला जाता था, अब उसका क्या करें? मिली अविनाश की बीवी है, जो कुछ अविनाश का था मिली का ही है। आप सब कुछ मिली के नाम पर ही ट्रांसफर कर दीजिए। हाँ बिल्कुल, अविनाश जी की इंश्योरेंस पॉलिसी के हिसाब से आप बेनिफिशियरी हैं और ये 5 करोड़ का चेक इसे आप ही रखिए वकील साहब, मिली के अकाउंट में इसे भी ट्रांसफर कर दीजिए। जी बहुत अच्छा। Yes.
से कहे जाके फिर जिया की बार प्यार की बार प्यार मेरे लिए ये करवा चौथ कितना बड़ा दिन हुआ करता था, खुशियों से भरा। रस्में तो आज भी निभाऊंगी मैं, समझ में नहीं आता मिली से मैं। ये मेरी क्या कर रही है? मेरी बेटी ये करवा चौथ है ना, आप कहते थे ना कि ये व्रत करने से अभी मुझे 7 जन्मों तक मिलते रहेंगे, तो मैंने सोचा पापा कि अभी मुझे पहले ही जन्म में छोड़कर चले गए तो क्या, मैं उनको हर जन्म में पाने के लिए ये व्रत करती रहूंगी हमेशा आखिरी सांसों तक, फिर तो ये मुझे मिल जाएंगे ना पापा, कहिए ना। अभी कहते थे कि मेरे पापा कभी झूठ नहीं बोलते, पापा अभी मुझे मिल जाएंगे ना, बोलिए ना पापा, मिल जाएंगे ना पापा, बोलिए ना। छोटा सा था तो इन्हीं तारों में बाबू जी और चाय जी को ढूंढा करता था। आज तुझे ढूंढ रहा हूं, अभी जहां भी है मिली के सवाल और उसके आंसू तुझे भी मैं इतना दिला रहा हूं। मैं सोचता था कि तुझे खोने के बाद मुझे जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द मिल गया, लेकिन मिली के दर्द को देखकर मुझे लगता है कि वो दर्द बहुत छोटा पड़ गया, बहुत छोटा। मुस्कुराना भूल गई है, दिन ब दिन वो जिंदगी से दूर होती चली जा रही, डर लगता है मुझे, बहुत डर लगता है। तुझे खोने के बाद मैं उसे नहीं खोना चाहता, उस दिन अस्पताल में तुम्हारी आंखें मुझसे कुछ कहना चाह रही थी अभी, लेकिन दर्द के गौर से घिर मेरी आंखें कुछ समझ ना पाई, आज सब समझ में आ गया। आज मैं वो करना चाहता हूं
जो उस दिन तुम्हारी आंखें मुझसे कहना चाह रही थी। तू खुश है ना बड़ी? मिली वो नहीं है जिसे हम इस घर से ले गए थे। समझिए, ये लड़का मिली का दोस्त, क्या नाम है इसका? अजित। कहाँ है आजकल, दिखाई नहीं देता? मिली की शादी के फौरन बाद वो यूरोप चला गया, शायद वही सेटल हो गया। Oh,
पहचान गए? किसे ही पहचानता, अभियाश के डैड और मिली के भी। Yes. What are you doing here? कुछ बिजनेस के सिलसिले में आए आप? नहीं, कुछ पर्सनल काम तुमसे। हुकुम कीजिए। दिल खोल के बात करने के लिए जगह भी थोड़ी सी खुली होनी चाहिए। Of course, why not? Come. Come. कब से हो यहाँ पर? बस मिली की शादी के बाद यहाँ आ गया। और कौन कौन है घर में? My family is just me. Lonesome. शादी नहीं की? किसी ने हाथ देकर कहा कि मेरे हाथ में शादी की रेखा है ही नहीं। By the way, how's my friend Millie? इतने सालों के बाद अब तुम्हें याद आई उसकी? खुश नहीं है मिली, मुस्कुराना भूल गई। जिसके हाथों में तुम उसे सौंप के आए थे, उसने सिवाय आंसू के उसे और कुछ नहीं दिया। पहले ही कहा था मैंने, अगर उसने मिली की आंखों को आंसू की एक भी बूंद दी, मैं उसे मार डालूंगा। अब तो तुम ये काम भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये काम भगवान ने कर दिया है। अभी सुनो, कितनी खुश थी वो अविनाश के साथ। अपने प्यार को खोकर वो जी नहीं पाएंगे। बहुत प्यार करती थी वो अविनाश को, बहुत। और तुम उससे कितना प्यार करते थे? जिंदगी से ज्यादा। लेकिन मेरे लिए जो प्यार था, मिली के लिए दोस्ती से ज्यादा कभी नहीं रहा। मेरा प्यार, वो मिली को खुश देखना चाहता था। मिली की खुशी अविनाश था। उसी के हाथों सौंप कर हमेशा के लिए दूर चलाया। अब क्या होगा, कैसे जिएगी वो, कैसे जी सकती है अगर उसे कुछ नई सांस से मिले तो? जिसका हाथ थामकर उसने जिंदगी का सफर तय किया था, वो उसे ऐसे चौराहे पर छोड़कर चला गया जहां सब रास्ते बंद हैं। अंधेरा, मायूसी, घुटन, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन मुझे कोई एक रास्ता तो निकलना पड़ेगा, जो मैं निकलूंगा, ताकि वो फिर से सांस ले सके, मुस्कुरा सके, सही मायनों में जिंदगी जी सके। ऐसा करने के लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। अगर तुम चाहो तो उसकी खुशियां उसे वापस मिल सकती हैं। अगर तुम चाहो तो अविनाश की कोई भी जगह फिर से ले सकते हो।
खामोश हो। मुश्किल काम आता है किसी ऐसी औरत को अपनाना जो किसी की बीवी थी, किसी के बच्चे की मां है। ये बात नहीं है अंकल, मिली मेरा प्यार है, मेरी खुशी है, पर आई नो वो नहीं मानेगी, नहीं, वो अविनाश की जगह किसी और को नहीं देगी, किसी को नहीं। मुश्किल है लेकिन अगर तुम मदद करो तो ये कम हो सकता है। तो मेरा साथ दोगे? संसार मुझे हमेशा उदास कर देता है। ये ढलता सूरज और मैं दोनों एक जैसे हैं। दोनों की रोशनी जा रही है, देखते ही देखते ये रंग अंधेरे में खो जाएंगे। हर ढलते सूरज के बाद एक नया दिन, एक नई शुरुआत होती है। सूरज अगर ढलता है तो उगता भी है, हर रोज हर बार। अब कभी उदास मत होना। वैसे भी मेरे मिली बहुत बात रहे, अंधेरों से रोशनी छीन कर लाना उसे खूब आता है। आता था रजत, तब जब न जिंदगी को समझा था और न ही मौत को इतने करीब से देखा था। मेरी छोड़ो, अपनी सुनाओ। सुनाने को कुछ नहीं, ठीक हूं, अच्छा हूं। गाने बजाने में अपने आप को बिजी रखता हूं, बस। इतने बिजी कि अपने दोस्तों को ही भूल जाओ? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। जगह बदल जाती है तो दोस्त भी बदल जाते हैं। दोस्त नहीं बदलते, वक्त बदल जाता है। अक्सर ये भी होता है कि जगह की दूरियां रिश्तों को और भी मजबूत बना देती है। अब देखो ना, इतने साल अगर मैं तुमसे दूर नहीं रहता तो कैसे मालूम पड़ता कि तुम मुझे इतना मिस करती हो? ये तुमसे किसने कहा कि मैंने तुम्हें मिस किया? मिस नहीं किया। चलो, गलत फहमी सही, ये तो रहने दो, इसी से काम चलेंगे। अंश, 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 ये लड़का भी ना, अंश, शिट, ओ शिट, आपने शिट बोला? सॉरी, सॉरी, पर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं यहाँ क्रिकेट खेलूँ, बुद्धू छुपा हुआ हूँ, आप कौन है? मैं आपकी मम्मी का दोस्त। और आप? मैं अपनी मम्मी का बेटा। ओ, तो फिर आप यहाँ क्यों छुप रहे हो? दादी दूध पिलाएगी इसलिए। तो दूध तो पीना चाहिए, दूध से मसल्स बनते हैं। मेरे बड़ी के भी थे ऐसे। अच्छा, फिर तो तुम्हें भी मसल मैन बनना चाहिए। चलो दूध पियो, मसल्स बनाओ और मेरे साथ पंजा लड़ाओ। हार जाओगे? यस, मैं पंजा लड़ाऊं।
रजत बेटे। गुड मॉर्निंग अंकल। मॉर्निंग बेटा। बस यही ख्याल आया कि तुम्हें याद दिला दूं, आज भूल कैसे सकता हूँ। बस मैं अभी निकलने वाला था। तुम्हें स्कूल नहीं जाना? जाना। बाय मम्मी। Shall we go? Yeah, come on. Hey, मम्मा को बाय बोलो। बाय मम्मी। बाय। Hi, Millie. Hey, Rajat. Good evening, auntie. Good evening. ये लीजिए स्वीट्स। स्वीट किस खुशी में? धौरी खुशी में आंटी। एक तो हमारा अंश स्कूल जाने लगा है, दूसरा मैंने इंडिया में सेटल होने का डिसाइड कर लिया है। अच्छा। और उसके लिए एक छोटा सा घर भी खरीदा मैंने। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया रजत, माँ को बताया? अरे उन्होंने कल का मुहूर्त निकाला है गृह प्रवेश के लिए, आप सबको आना होगा और अंकल को भी। हाँ हाँ जरूर आएंगे। नमस्ते। आइए आइए। कांग्रेचुलेशंस रजत। चले भाई, बधाई हो, तुम्हारा घर वाकई बहुत खूबसूरत। थैंक यू अंकल। भगवान करे तुम यहाँ खूब फूलो फलो, सब सुख पाओ। थैंक यू। तलवार साहब कहाँ है? बाहर बैठ के बियर पी रहे हैं। अरे चलो वहीं चलते हैं उसके बाद। आओ। ये तुम्हारे लिए। ये? मेरी बनाई जितनी भी पेंटिंग्स पड़ी थी सब उठा लाई। वाओ फंटास्टिक। जल्दी में भी इतना ही ला सकी। इतना ही? तुम्हारे रंग इस घर के कोने कोने में बिकेंगे। क्या ये कम है? वाओ ब्यूटीफुल। ये मेरी बनाई आखिरी पेंटिंग है। खूबसूरत है मगर मगर अधूरी है। डोंट वरी, मैं उसे पूरी किए देता हूं। गई ना पूरी? मुंबई में भी अब अच्छी खासी सर्दी पड़ने लगी है। अदर चले? नहीं नहीं ठीक है, अच्छा लग रहा है। पापा कॉफी। अरे तुम्हें कैसे मालूम पड़ा कि हमें कॉफी चाहिए थी? आपकी बेटी जो हूँ। थैंक यू बेटा। अरे मेरी बेटा, ये रजत से मुलाकात हुई तुम्हारी? नहीं तो क्या वो यहाँ पे आया था? हाँ बल्कि अभी अभी यहीं कहीं हुए। वो कह रहा था कि कल इंडिया में उसका पहला प्रोग्राम है, कह रहा था कि हम सबको वहां जाना होगा। मैं नहीं जा सकती पापा। मिली ये ठीक है कि रजत हम सभी से घुल मिल गया है, पर है तो तुम्हारा ही दोस्त, तुम नहीं जाओगी तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। मामा वो अंश रात को पंची भैया के साथ भी नहीं रहता। मेरे साथ तो रह जाता है। ऐसा करो तुम पापा के साथ चली जाना, मैं अंश को संभालूंगी। ठीक है मामा। Thank you.
बेबसी दर्द का आलम, तुम मुझे दे दो अपने गम। बेबसी दर्द का आलम, हाँ तुम मुझे दे दो अपने गम। खामोशियाँ भी दो, तन्हाइयाँ भी दो, बेचैनियाँ भी दे दो, दे दो ना। चुरा लूंगा नमी, रहने दूंगा ना कहीं कोई कमी। भीगी पलकों से चुरा लूंगा नमी, रहने दूंगा ना कहीं कोई कमी। परछाई हो दे दो मुझे अपनी तन्हाई। गुमनामियां भी दो, नाकामियां भी दो, वीरानियां भी दे दो, दे दो ना। सजा दूंगा हंसी तेरी राहों में, बिछा दूंगा खुशी। हो तेरे होठों पे सजा दूंगा हंसी तेरी राहों में, बिछा दूंगा खुशी। अपना मानती हो अगर, यूं खफा हो के ना झुकाओ नजर। मुश्किलें अपनी मजबूरी हो दे दो मुझे सारी बेनूरी। परेशानियां भी दो, हैरानियां भी दो, बेबसी दर्द का आलम, तुम मुझे दे दो अपने गम। खामोशियां भी दो, तन्हाइयां भी दो, बेचैनियां। सुना तो तुम्हें पहले भी था, लेकिन आज लगा तुम्हारे अंदर से आया। थैंक यू अंकल। एक्सक्यूज मी। हाँ हेलो। आपने बोला था ना 9 बजे फोन करने के लिए, मैंने कर दिया। ऑफिस में प्रॉब्लम? ठीक है मैं आ रहा हूँ। हेलो बेटा, वो ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम हो गया, मुझे जाना पड़ेगा जल्दी। रजत बेटा, तुम मिली को घर छोड़ दोगे?
Sure. Okay. Thank you. रजत का प्रोग्राम कैसा लगा? अगर आप नहीं चाहते कि मैं इस घर में रहूं, बोझ बन गई हूं मैं आप पर, छुटकारा पाना चाहते हैं आप मुझसे, तो कह दिया होता, चली जाते, चली जाऊंगी पापा, पर इस तरह से क्यों? क्यों पापा? क्या भी खिंचाने के बाद आपका मुझसे वो रिश्ता भी टूट गया जो आपने खुद बनाया था? क्या मैं आपकी बेटी नहीं रही? क्या आप मुझसे प्यार नहीं करते? नहीं करते पापा? नहीं बेटा, नहीं, ऐसे नहीं करते, ऐसा नहीं। मैं तो तुम्हें पहले से भी कहीं ज्यादा प्यार करता हूं, अभी कैसे कभी? ये कैसा प्यार है आपका पापा कि आप मुझसे उन्हीं लोगों से अलग कर देना चाहते हैं जो मेरे अपने हैं, जिनके चेहरों में हर पल मुझे आप ही का चेहरा नजर आता है। आप, मम्मी, ये घर, यहाँ के कोने कोने में बिखरी अभी की यादें, उनकी खुशबू है। अभी की जिंदगी तो भगवान ने छीन ली, पर अभी की यादों को मुझसे छीन कर क्या आप मुझसे मेरी जिंदगी नहीं छीनना चाहते पापा? ना, ना बेटा, ऐसी बात नहीं। बेटा खोने के बाद मेरे लिए ये बेटी बहुत ज्यादा कीमती हो चुकी है, मैं इसे किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहूंगा। तो फिर आप ऐसा क्यों कर रहे पापा? क्यों मुझे यहां से निकाल रहे, इस घर से जो मेरा अपना है? मेरा ये घर तुम्हारा, तुम्हारा घर है ये। बस इस घर में धूप और हवाओं ने आना बंद कर दिया है, और जिस घर के अंदर धूप और हवाएं आना बंद हो जाती हैं, वहां फूल नहीं खिलते, वहां जिंदगी नहीं होती। मैं तो बस तुम्हारे इस उदास चेहरे पर खुशियों के फूल खिलते हुए देखना चाहता हूं। और मैं नहीं, दुनिया के हर माता पिता शायद अपनी औलाद के लिए ऐसे सोचते हैं। समझ में आता है कि पापा ने ऐसा क्यों किया। वो मुझे अपनी बेटी मानते हैं, मुझे प्यार करते हैं, मुझे खुश देखना चाहते हैं, लेकिन ये समझ में नहीं आता कि तुमने ऐसा क्यों किया। तुम तो मुझे मुझसे भी ज्यादा समझते हो ना, ये जानते हो कि मैं सिर्फ एक बार प्यार कर सकती हूँ, दोबारा शादी के बारे में सोच भी नहीं सकती। फिर भी तुमने कैसे सोच लिया कि मैं एक बार फिर प्यार करूंगी? मिली, मेरी बात तो सुनो। मेरे लिए जिंदगी में ना प्यार की जगह बदल सकती है, ना दोस्ती की,
दोनों की जगह अलग अलग है, लेकिन तुमने तो दोस्ती में ही प्यार की मिलावट शुरू कर दी। जब तुम वापस आए तो मुझे लगा मेरा दोस्त वापस आ गया है, लेकिन मैं गलत थी। तुम तो मुझे प्यार और हमदर्दी की भीख देने आए थे। बस बस मिली, बस। मैं तुम्हें भीख में प्यार क्या दूंगा? मैं तो तुमसे प्यार की भीख मांगने आया हूं। मांगना तो तभी से चाहता हूं जब से मैंने प्यार का मतलब समझा। तुम मेरी चाहत, मेरी सबसे बड़ी खुशी थी। लेकिन तुम्हारी खुशी अविनाश था। तुम खुश थी तो मैं खुश था, लेकिन इन हंसती हुई आंखों में जब आंसुओं की बाढ़ आ गई तो मुझसे रहा नहीं गया। मैंने तुम्हारा दुख बांटना चाहा, उसको राहत वापस लानी चाहिए। अपना प्यार देकर, तुम्हारा प्यार पाकर मेरे पास किसी को देने के लिए कुछ नहीं है, प्यार भी नहीं। पर मेरे पास है इतना कि हम दोनों के लिए काफी हो जाए। पानी तुम देख रही हो, यह देखने में तो पानी जैसा लगता है, महसूस करने में पानी जैसा लगता है, पर यह पानी है नहीं, यह खारा है। इससे प्यास नहीं बुझाई जा सकती। तुम्हारी यह जिंदगी भी ऐसी ही है जो देखने में तो जिंदगी जैसी लगती है, महसूस करने में जिंदगी जैसी लगती है, पर जिंदगी है नहीं। सिर्फ सांसें लेने को जीना नहीं कहते बेटा, और तुम्हें जीवन जीना है। वक्त के साथ हर जख्म ये भर जाएगा, पल गुजर जाएगा, तू मेरी बात मान ले। यादों के आसरे उम्र तो तन्हा कटती नहीं, ऐ हकीकत यही बस अभी तू ये जान ले। अकेला खार जीवन कोई न जी सका। कहता है बाबुल ओ मेरी बिटिया, तू तो है मेरे जिगर की चिट्ठी। जानती थी कि तुम यही होगे। इतना चाहती हो तो मुझे गलत क्यों समझती हो? अक्सर खुद को समझने में भी मुश्किल होती है। किसी रिश्ते के साथ काफी दूर तक चलने के बाद उसका नाम बदलना आसान नहीं होता। मुझे कुछ वक्त चाहिए,
क्या तुम मुझे वो दोगे? प्यार में वक्त की कोई सीमा नहीं होती। कहो तो सारी उम्र दे सकता हूं। आज से तुम्हारे सारे दुख मेरे और मेरे सारे सुख तुम्हारे। भरोसा है मुझ पर। ये क्या? एक मीठा सा सरप्राइज। ये लो। आप हाथ हटाएंगे तो देखो ना। Okay. ये कैसा मजाक है? ये मजाक नहीं, सच है। मैं ये शादी नहीं होने दूंगी। ये शादी नहीं हो सकती, हरगिज नहीं। कैसी बातें करती हो शोभा? मिली हमारी बेटी है, उसकी खुशियों के बारे में सोचना हमारी जिम्मेदारी नहीं? और मेरी खुशी? मेरी खुशी की कोई मायने नहीं। अगर मिली ने अपना पति खोया है तो मैंने भी अपना इकलौता बेटा खोया है। अब अपनी आखिरी खुशी अपना पोता नहीं खो सकती मैं, नहीं। शुभमा, तुम बात समझने की कोशिश करो। क्या समझूं? कहिए ना, क्या समझूं? समझने की तो आपको जरूरत है। अगर ये शादी हुई तो मिली के साथ तेरा पोता भी चला जाएगा। ये नहीं होगा। माँ होकर माँ का दर्द नहीं समझ रही हो तुम। यहाँ माँ रहेगी, बेटा तुम्हारी रहेगा। मुझे समझा रहे हैं आप माँ का दर्द? उस माँ को जिसने अपने बेटे को अपने खून से सींचा, बड़ा किया और उसे खून में लथपथ, उसे अपनी आंखों के सामने जाते भी देखा, हमेशा के लिए खो दिया है। फिर आप ही ने कहा हमारा अभी कहीं नहीं गया, अंश में ही समा गया है, तो उसी में अपने बेटे को ढूंढने की कोशिश करने लगी। जब वो मिल गया है तो आप कह रहे दोबारा उसे खो दो? नहीं, हरगिज नहीं। जिसे तुम खोना कह रही हो अंश के लिए वही पाना भी तो सकते हो। उसे एक पिता मिलेगा शोभना, पिता, वो भी रजत जैसा, जो उससे बेहद प्यार करता है। बाप का यही प्यार अंश के लिए बहुत जरूरी है बेबी। लेकिन मेरे लिए अंश का होना बहुत जरूरी है। नहीं जी सकती हूँ मैं उसके बगैर, और वो मुझसे दूर कहीं नहीं जाएगा। बीबी, बेड़ा गर्क, काश ये खबर सुनने से पहले ये धरती फट जाती और मैं इसमें समा जाता। इस छोटे ने तो मेरी नाक काट डाली। क्यों जी, क्या किया है बलराज ने? जिस खानदान की मिसालें देते लोग नहीं थकते, अब उसी पर सारे थूकेंगे। पागल हो गया बलराज, पागल। ऐसा ना करो, चुप रहो। अंग्रेजी के चार अक्षर क्या पढ़ लिए, रिवायतों की उल्टी गंगा बहाने लग पड़ा। विधवा को साथ चढ़ाने चला है। हमारी सात पुस्तों में ये अनर्थ न कभी हुआ है और न कभी होगा। रिवायतों की सफेद चादर पर मैं बदनामी का एक भी दाग नहीं लगने दूंगा, हर किस नहीं। ये क्या कर रहे हैं? चाचू सीधे साधे आदमी है, इसलिए धोखा खा गए। लेकिन मैं देखते ही पहचान गया था कि ये रजत सही बंदा नहीं है। अरे दोस्ती की आड़ में मिली के साथ मिलकर लंबा हाथ मारना चाहता है और वही हुआ। लेकिन मैं उसके इरादे कामयाब नहीं होने दूंगा। देखता हूं ये शादी कैसे होगी। अरे सुनो भैया, शुक्रिया। अरे बहुत बहुत शुक्रिया, ऐसा मत कहिए। वरवधु को मंडप में ले आइए यजमान, शुभ मुहूर्त आरंभ हो चुका है। करें, मैं अभी आता हूं।
चले बेटे। क्या बात है? ये सोचकर मेरे कदम आगे ही नहीं बढ़ रहे पापा कि मेरा घर मुझसे छूटा जा रहा है। मैं अपने पापा को छोड़कर, बेटियों को तो माँ बाप का घर छोड़कर जाना ही पड़ता है, संसार का नियम ही है बेटा। पापा, आपने मुझे बेटी कहा ही नहीं, माना भी है मंडप में जाने के बाद इस रिश्ते की मोहर भी लग जाएगी, तब शायद मैं वो नहीं कर पाऊंगी जो मैं करना चाहती हूँ। बस एक बार, आखिरी बार मैं आपके बहुत छूना चाहती हूँ, आपके बहू के नाते। बेटियां पाव नहीं छूती, तो इसे तुम्हारे पास नीचे ला रहा था। ये कहने से मैं खुद को नहीं रोक पा रहा कि लोग तो मैंने बहुत देखे हैं, लेकिन ऐसा आदमी नहीं देखा जो अपनी खुशियों को कम और दूसरों के गमों को ज्यादा महत्व दे, जो एक रिश्ता जोड़ने के लिए अपने तमाम रिश्ते तोड़ने को तैयार हो जाए। आशीर्वाद दीजिए कि मैं आप जैसा बन सकूं, आपकी बेटी को सब कुछ दूं जिसकी वो हकदार है। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है बेटे। आ जाओ बेटा, आ जाओ। बंद करो ये तमाचा, ये शादी नहीं होगी। बड़े भैया, मत कहो मुझे बड़े भैया, तू मेरा भाई हो ही नहीं सकता। मेरा भाई तो वो था जो मेरी हां पर हां और ना पर ना की मोहर लगाता था, जिसे सीने से लगाकर मुझे यकीन होता था कि वो हमारे खानदान की रवायतों को आगे बढ़ाएगा, पर तूने तो थूक दिया उन पर, आग लगा दी उनमें। अरे तू तो खुद ही देख चुका है परंपराओं को ठुकराने का नतीजा, विधवा की मौजूदगी से बदशगुनी ना फैले इसलिए नहीं लेकर आया था पुष्पा को अभी के ब्याह पर, तू नहीं माना, बुलवा ली ही लिया इसे और फिर बेटा खोकर उसका अंजाम भी देख लिया। अब आप किसी का मुंह बंद नहीं कर सकते हैं चाचू, अपनी घर की बहू को गैर मर्द को सौंपते हुए आपकी आत्मा ने आपको बिल्कुल धिकारा नहीं, शर्म नहीं आई आपको? इनकी आत्मा मर चुकी है भूषी, तभी तो बेटा खोकर अधमरी हो चुकी मेरी बहन से अब ये पोता छीन कर उसे बिल्कुल मार डालना चाहते हैं। मामा प्लीज दीजिए, चलिए मेरे पापा को नजारे क्या क्या कह रहे, प्लीज मामा प्लीज। वाह जी जी वाह, अब आपके लिए वो पराई लड़की इतनी ज्यादा अपनी हो गई है कि उसकी खुशियों के नाम पर आप अपनी पत्नी की जान तक लेने पर उतारू हो गए। भगवान से डर छोटे, भगवान से डर। विधवा के दूजे ब्याह की बात सोचना भी पाप है, अनर्थ है, अधर्म है, और अगर अभी तूने अपनी जिद नहीं छोड़ी तो कसम पुरखों की शादी के इस हवन की अग्नि मेरी चिता की आग बन जाएगी। ये शादी कराने के लिए तुझे मेरी लाश पर से गुजरना होगा। अगर आपकी वजह से मेरे बाऊजी को कुछ हो गया ना चाचू, तो मैं सारे रिश्ते रिश्ते भूल के पता नहीं क्या कर जाऊंगा, कोई लिहाज ही करूंगा मैं। आप लोग जी यहाँ पे कोई शादी वादी नहीं हो रही है, जाइए अपने घर। पंडित उठो। बैठिए पंडित जी, बैठिए। और आप लोग भी बैठे। मेरे हुक्म के ऊपर अपनी जिद रखने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? धर्म समाज परंपराओं को लात मार करके तू ये साबित करना चाहता है कि तू इन सबसे ऊंचा है, बहुत बड़ा है, भगवान है? नहीं, तू पागल है, पागल। हाँ मैं पागल हूं बड़े भैया, मैं पागल हूं। बहू को बेटी मानना अगर पागल बना है तो मैं पागल हूं, उसके आंसू पोंछना अगर पागल बना है तो मैं पागल हूं, उसकी अंधेरी जिंदगी में खुशियों की रोशनी बनना अगर पागल बने तो हां मैं पागल।
बच्ची का, जो मैं इसे इस चार दीवारी के अंदर कैद करके मौत की सजा सुना दूं, जहां ना हवा है न रोशनी है न किसी सवेरे की आस है। तेरी बच्ची कोई दुनिया की सबसे अनोखी विधवा नहीं है जिसके लिए तू अपने ही बंदों से बगावत पर उतर आया है। देख इधर, देख इसे, तेरे अपने ही छोटे भाई की विधवा है ये। पूरे 20 साल से खानदान की इज्जत को संभाले बैठी है अपने घर में। पूछ इसे, है कोई परेशानी? चैन से जी रही है कि नहीं? बता पुष्पा, तू ही बता। जी नहीं बड़े भैया, मुझे कोई परेशानी नहीं। दो वक्त की रोटी खाती हूँ, तन ढकने के लिए ये बेरंग कपड़े हैं, और हाँ, सांस भी लेती हूँ। अगर इसे जीना कहते तो मैं चैन से जी रही हूँ। मुझे माफ कर दो पुष्पा, उस वक्त मैं चुक गया। विरोध करने के लिए मैं हिम्मत नहीं जुटा पाया, लेकिन आज मुझे कोई नहीं रोक सकता, न धर्म न समाज न रवायत, कोई नहीं। और कौन सा धर्म, कौन सा समाज, कौन सी रवायत, वो जो पति के मरने के बाद एक जीती जागती औरत को जिंदा लाश बना देती है, या वो जो उससे उसके जीने का हक ही छीन लेती। लोग कहते हैं कि सती की प्रथा जो है वो बंद हो गई है। कहां बंद हुई है? वो तो आज भी जीवित है, पति की चिता पे ना सही लेकिन परंपराओं की चिता पर आज भी न जाने कितनी औरतें पल पल सती हो रही हैं, दिल दिल के मर रही हैं, इस पुष्पा की तरह सिर्फ सांस ले रही हैं। लेकिन मैं अपनी बेटी को सिर्फ सांसें लेने के लिए जिंदा नहीं रखूंगा, मैं उसे जिंदगी का वो आईना दूंगा जिसमें वो अपना एक नया चेहरा देख सके, जिसमें रंग हो, नूर हो, खुशियां। बड़े भाई साहब, बड़ी विनम्रता के साथ मैं आपसे कुछ कहना चाहूंगा। क्या ये ठीक है कि परंपराएं बनाने वाला इंसान ही परंपराओं की बलि चढ़ता रहे? परंपराएं जिए, इंसान मरता रहे। परंपराएं बड़ी, जिंदगी कुछ भी नहीं। बड़े भाई साहब, आपको परंपराएं निभाना तो याद रहे, लेकिन पुष्पा के आंसू पोंछना आप भूल गए। और एक सवाल मैं तुमसे भी पूछना चाहूंगा बीवी, ये जो लड़की तुम्हारे बगल में खड़ी है, ये तुम्हारी बहू ना होकर अगर तुम्हारी बेटी होती, और वो जिसे हमने खो दिया है वो तुम्हारा बेटा ना होकर तुम्हारा दामाद होता, तो क्या तब भी तुम अपनी बेटी के उछड़े हुए घर को बसता हुआ देखकर इसी तरह विरोध करती, उसके सुने माथे पर एक नई बिंदिया चमकते हुए देखकर इतराज करती, उसके बेटे के सर पर एक बाप के ममता के हाथों को नकार देती, तुम क्या करती तुम बीवी? मुझे माफ कर दीजिए, मैं स्वार्थी बन गई थी, खुदगर्ज बन गई थी। सच तो ये है आप मिली के पिता बन गए, लेकिन मैं ना इसकी मां बन सकी ना आपकी पत्नी। आज जब इस तूफान में आपको सबसे ज्यादा जरूरत मेरी थी, मैंने आपको अकेला छोड़ दिया। भगवान भी मुझे माफ नहीं करेगा। यजमान, राहु काल आरंभ होने वाला है, जल्दी कीजिए। अरे नहीं पंडित जी, राहु काल तो तभी आकर चला गया जब मेरे जैसे पागल को अकल आ गई। छोटे, मुझे माफ कर दे। नहीं माय भैया, नहीं मत कह मुझे बड़े भैया, मैं इस लायक नहीं हूं।
नहीं मैं बड़ा नहीं, बड़ा तो तू है। आज तुझी से सीखा, जिंदगी बड़ी, परंपरा छोटी। परंपराओं की लकीरें जब धुंधली पड़ जाती हैं, तो नई लकीरें खींचने से परहेज नहीं करना चाहिए। पुत्र जी, देर बड़ी हो गई, अब मेरी बात का कोई मतलब ही नहीं है। पर बड़े भैया समझ के मुझे माफ कर देना। ऐसा मत कहिए बड़े भैया। चलो आओ भाई, छोटे बच्ची को मंडप में ले चलो। पंडित जी शुरू करो। ओम सहस्र शीर्षः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपादः स भूमिगुं तस्त्रत्वा तत्तिष्ठत शशांगुलम्। कन्यादान के लिए कन्या के माता पिता को बुलाइए। वही भाषा कन्यादान का अधिकार बेटी के बाबुल को होता है, और वो बाबुल मिल रही हाथ है। ऐसा मत कहिए भाई साहब। मैके की धैर्य लाने के बाद काश हर बेटी को आप जैसा बाबुल मिले पापा। आप जैसे बाबुल के हाथों जिसका कन्यादान हो, उसे खुद भगवान आशीर्वाद देने आते हैं। अपने जिगर का टुकड़ा जो दे दे, अपने लहू का कतरा जो दे दे, तो ये जिया पर आंसू न आए, अपने दुखों को सबसे छुपाए। निकाल के जिस्म से जो अपनी जान दे। Thanks, buddy. महान है वो बाबुल जो कन्यादान दे।